किसानों की समृद्धि हो या युवाओं के स्वावलंबन का कार्य, बिना भेदभाव के पूरे देश के अंदर प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा की योजना आयुष्मान भारत की हो, या फिर देश के अंदर अलग अलग तबके में, अलग अलग समाज में सभी वर्गों को समाहित करते हुए की जाने वाली केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की घोषणाएं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के उस संकल्प के साथ ही जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। आज जब उनकी पुण्यतिथि के इस आयोजन में हम लखनऊ महानगर में जुड़े हैं, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि लोकतंत्र में एक शब्द जो लोक कल्याणकारी शब्द होता है, ये लोक कल्याणकारी शब्द की सार्थकता तभी है जब शासन की योजनाएं बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा देखे समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंच सके। और ये बात 1950 और 1960 के दशक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय राजनीति के संदर्भ में कही थी, और उनका ये दर्शन उस समय भी उतना ही प्रासंगिक दिखता था जितना आज इसका महत्व भारतीय राजनीति में बना हुआ है। आज उनकी इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। आज जब हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, मेरा सौभाग्य है कि कल से मैं वाराणसी में था, और वाराणसी के मुगल सराय में, जिसका नाम अब परिवर्तित करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया है, वहाँ पर उनका एक भव्य स्मारक का निर्माण कार्य अंतिम चरणों में चल रहा है, और 16 फरवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस भव्य स्मारक का लोकार्पण का कार्य भी करेंगे, जहाँ पर पंडित जी की 63 फुट ऊँची प्रतिमा और उनका एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रति उनकी भावनाएं क्या थी, क्या उनका ये दर्शन था, उसको बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर उनके स्मारक के माध्यम से उकेरने का प्रयास हुआ है। इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के द्वारा होगा। मुझे वहाँ कल उनके इस कार्यक्रम में भागीदार बनने और अन्य कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के बाद आज मुझे लखनऊ के इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं पूरे प्रदेशवासियों की ओर से, पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के संकल्पों के साथ जुड़ करके अपने लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी और राष्ट्र कल्याणकारी योजनाओं के साथ अपने आप को जोड़ेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएँ।